नमस्कार, मैं हूं हरमन क्लौर। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम को पैरोल को लेकर मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसी बीच पैरोल ऑर्डर की कॉपी सामने आ चुकी है, जिसमें ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम पर किसी भी पाबंदी की बात सामने नहीं आई। कलायत विधानसभा के 38 वेदनशील गांव जुलानी खेड़ा में हंगामे के बीच चुने सरपंच तथा सरयाम चली लाठियों और गंडासियों के बीच में गांव में पुलिस बल तैनात था, फिर भी जो पोलिंग स्टेशन है वो प्रभावित हुआ। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से कृषि बागवानी क्रांति से नील क्रांति की ओर अग्रसर हरियाणा अब एग्रो बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। भारतीय कृषि को उत्पादन केंद्रित से बाजार संचालित व्यवस्था में बदलने की यात्रा में हरियाणा राज्य ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। हरियाणा सरकार के द्वारा कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सुधार के मद्देनजर सिंचाई के लिए पानी का उचित उपयोग, कम पानी की खपत वाली फसलों का विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने सहित अनेक कदम भी उठाए गए। हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में हरियाणा सरकार निरंतर विविधीकरण के माध्यम से हरियाणा के किसानों के लाभ और आय को बढ़ाने के दिशा में प्रयास निरंतर कर रही है। सरकार द्वारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए इन एफपीओ के साथ काम करने हेतु राज्य में कृषि क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कृषि व्यवसाय के लिए सरकार ने एफपीओ के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम नामक एक विशेष योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत बागवानी समूहों में एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए एफपीओ को 70.9% सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तक 30 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जा चुके हैं और 35 का कार्य प्रगति पर है। कृषि विभाग के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने को भी प्राथमिकता दी जा रही है। कलायत विधानसभा के अति संवेदनशील गांव जुलानी खेड़ा में हंगामे के बीच चुने सरपंच तथा सरयाम वहां पर लाठियां चल गई और गंडासियां। गांव में पुलिस बल तैनात था, फिर भी पोलिंग स्टेशन प्रभावित हो गया, जहां दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ और कनिष्ठ अभियंता जयवीर सिंह की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कई लोग पुलिस हिरासत में है। राजकीय स्कूल में बनाए गए दो बूथों जिसमें गांव के लगभग 1600 वोटों ने सरपंच चुना था, गांव की छोटी सरकार। इसके अलावा कलायत विधानसभा के गांव खरक पांडो में भी बूथ कैप्चरिंग के मामले में नेशनल हाईवे 152 को जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। अतिरिक्त अगर पुलिस की बात की जाए तो व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन एकजुट होकर काम कर रहा है, शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सुबह से एक आध स्टेशन पे ऐसा इशू आया है कि कुछ तनाव है, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दी है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हमारे पिछले चुनाव भी हुए हैं और हम उम्मीद रखते हैं आज भी वैसे ही हो। निसिंग नई अनाज मंडी में गेट पास न करने की वजह से किसान और किसान नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी देते हुए किसान नेता गुलजार सिंह ने ये बताया कि सुबह से किसान लाइनों में लगकर गेट पास कटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह मार्केट कमेटी के कर्मचारियों के द्वारा गेट पास न कटने से किसानों में काफी रोष है। इसी के चलते किसानों ने काफी संख्या में इकट्ठे होकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि जब तक गेट पास नहीं काटे जाते तब तक किसान यहीं पर बैठे रहेंगे और ये भी कहा कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। कई दिनों तक किसान लाइनों में लगकर अपनी धान को बेच रहे हैं, जिससे किसानों के कई काम रुके हुए हैं और परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। डिसीजन लिया था भाई कल हम मंडी बंद रखेंगे और कोई भी मंडी में जमींदार पीआर की फसल न लेकर ना उसको कोई गेट पास जारी किया जाएगा। ये मंडी एसोसिएशन की तरफ से फैसला था, तो मंडी एसोसिएशन प्रधान ने अपने ग्रुप में डाल दिया था भाई, अपने व्यापारियों को बोल दिया था कि जो भी अपने किसान भाई हैं उनको बोल ले भाई कल दिनांक 26 को
भाई अपनी कोई भी पीआर की फसल न लेकर ये 8-7 ट्रक ले आ रही है। अगर ऊपर से कोई आदेश आएगा सचिव महोदय को कोई ऐसी बात होगी तो इनको गेट पास जारी किया जाएगा। किसी भी जमींदार और व्यापारी भाई को किसी भी प्रकार की मार्केट कमेटी निश्चिंग की तरह कोई समस्या नहीं आने देंगे। करनाल के जुंडला अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर 4 राइस मिलर की जांच की। यहीं करीब 65,000 क्विंटल धान का रिकॉर्ड नहीं मिला। यह धान मंडी से निकला लेकिन मिल परिसरों तक नहीं पहुंचा। इस आरोप में 4 राइस मिलरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसमें आनंद फूड के फूड्स के मालिकों के नाम भी शामिल है। दूसरी ओर सरकार ने पवन चोपड़ा को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। इससे यह साबित हो रहा है कि मंडी में धान खरीद जो सीजन में भारी गड़बड़ी को अंजाम दिया जा चुका है। यह गड़बड़ी स्थानीय स्तर पर पकड़ में भी नहीं आई। यदि सीएम फ्लाइंट टीम छापेमारी न करती तो सरकारी धान खरीद में हुआ ये जो घोटाला है इसको दबा दिया गया था। करनाल जिले की जुंडला मंडी के धान घोटाला तो जो सीएम फ्लाइंग टीम की मुस्तैदी से सामने आ चुका, इसके अलावा जिले की अन्य मंडियों में भी जमकर घोटाला हुआ। अब जिस तरह से जुंडला मंडी के तत्कालीन सचिव पवन चोपड़ा को गिरफ्तार किया, कलायत विधानसभा के गांव कोलेखा में भारतीय किसान यूनियन के महान योद्धा फतेह सिंह फतवा जी व शहीद फौजी गोपी राम की जो पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर किसान नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन के आधार स्तंभ रहे फतेह सिंह फतवा को भी उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह धासी राम नैन ने यह भी कहा कि इन किसान नेताओं ने किसानों के लिए अपना सारा जीवन तक समर्पित कर दिया। भारतीय किसान यूनियन दिवंगत हुए और किसान नेताओं को शहीद मानते हुए उनकी प्रतिमाएं लगाने के साथ उनके जीवन को लेकर पुस्तकें व कैलेंडर को भी छपवाया जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी दी। जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गोपी राम 3 नवंबर 1997 को बिजली मुद्दे को लेकर किए जा रहे आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। देखिए 9 तारीख और 12 तारीख को पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच और सरपंच के लिए चुनाव होने हैं जी। तो उसके संबंध में आज यहाँ पे एक औचक निरीक्षण किया गया था जी। उस निरीक्षण में कुछ कुछ चीज़ें जो हमने स्ट्रॉन्ग रूम से संबंधित कुछ कुछ चीज़ें देखी और जी। जिसमें जहाँ पे जो कमी पाई गई संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कमियों को पूरा कर लिया जाए जी। इसके बाद हम अपने यहाँ से जो किटबैग्स तैयार करनी है, मशीनें तैयार करनी है जी। और मशीनों का जो आवंटन करना है अलग अलग पोलिंग पार्टीज को, वो काम यहाँ से शुरू होगा जी जी। तो वो बेसिकली एक औचक निरीक्षण था कि जो जो भी यहाँ पे कमियाँ स्ट्रॉन्ग रूम से संबंधित वो एक बार देख लें और उनको समय से पूरा कर लें जी। धान की फसल काटने के बाद पराली में आग लगाने की लोकेशन पर गांव सिधानी में जुर्माना करने आए राजस्व विभाग से पटवारी हिमांशु और कृषि विभाग के एडीओ को भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने इस विरोध किया और दोनों कर्मचारियों को करीब 2 घंटे बंधक तक बनाए रखा। सूचना मिलने पर जाखल पुलिस प्रभारी जय भगवान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे के बाद दोनों कर्मचारियों को किसानों से छुड़वाया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा हरियाणा पदाधिकारी ने बताया कि सरकार किसान की पराली को कोई भी स्थायी हल नहीं निकाल पा रही। सांजगांव के सुरेश कुमार सेठ ने सरपंच चुनाव जीतने के बाद बाबा चंदा चकोर और शिव मंदिर में माथा टेका और सुरेश कुमार सेठ की जीत के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल पसर गया। लोग हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते और मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। वहीं ग्रामीण और समर्थकों ने सुरेश कुमार का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और रात में ही गाँव में भ्रमण कर लोगों का आशीर्वाद भी लिया। सरपंच बनने के बाद पूरा दिन घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा और खुशी का माहौल भी पसरा। जो घोषणा है कि वो जरूर बनेगी, पूरा होगा वो, और जो भी जो काम होगा पूरा होएगा। जितना भी क्या कहना चाहेंगे जो सुरेश कुमार जो सरपंच चैनल के माध्यम से जो हमारे को ये चौधरी दी है गांव ने, हम उसका नतमस्तक हो के धरती माता को नमस्कार के उसका पूरा पाड़ेंगे जी। और कुछ गांव में ऐसे सोच रहे हैं भाई ये कैसी सरपंची करेंगे, जो नए सरपंच चुन के आए हैं, जैसे पहला रूप तो हमारा चुनाव में ही देख लिया लोगों ने, जो वहाँ पे हमने दिखाया है एक साइलेंट भावना से, एक शांति भावना से, संवेदनशील भावना से जो हमने वहाँ चुनाव लड़ा, ऐसे ही 5 के 5 साल हम संवेदनशील भावना से आपके समक्ष में रहेंगे। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और यह रीढ़ की हड्डी किसानों की वजह से ही मजबूत है। इसमें विशेषकर हरियाणा और पंजाब के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से देश के लगभग 1.5% भाग को ही कवर करता है, कृषि, खेल व सामरिक क्षेत्र सहित भारत के विकास में हरियाणा राज्य का योगदान बहुत बड़ा है।
यह बात हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज चंडीगढ़ में प्रीमियर एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर के उद्घाटन के समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ मंच साझा करते हुए कही। अपने संबोधन में राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि देश के बासमती चावल का 60% निर्यात हरियाणा से होता है। वर्ष 2021 से 2022 में प्रदेश में 83 लाख टन धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं, दूध उत्पादन में भी प्रदेश ने कई ऊंचाइयां हासिल की। हरियाणा में 3000 से भी अधिक खाद संस्करण इकाइयां हैं। इस समय हरियाणा में 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, जो देश में सबसे ज्यादा अधिक है। राज्यपाल ने यहां तक कहा कि कोरोना काल में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तब भी हमारे किसानों ने कठिन मेहनत कर अनाज पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। इसके लिए किसानों को विशेष रूप से उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट में दृष्टि के अनुरूप कृषि में नए और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे नैनो यूरिया उर्वरक का उपयोग, डिजिटल कृषि, ड्रोन का उपयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टीक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह में पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम की पैरोल को लेकर मामला काफी गर्माया हुआ है। इसी बीच पैरोल ऑर्डर की कॉपी सामने आ चुकी है, जिसमें ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम पर किसी पाबंदी की बात सामने तक नहीं आई। रोहतक के डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर पर 9 शर्तों के तहत यह पैरोल दी गई, जिसमें डेरा मुखी राम रहीम को ठहरने वाले स्थान पर पुलिस और लोकल प्रशासन को पूरा सहयोग करना होगा। हालांकि शांत व अच्छे बर्ताव की शर्त के बावजूद राम रहीम के सत्संग को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं लिखी गई। सबसे पहले पैरोल अवधि खत्म होने पर राम रहीम खुद रोहतक की सुनारिया जेल की जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करेगा। दूसरी बात, पैरोल पर रिहाई से पहले राम रहीम के लिए एक बॉन्ड भी उसे भरना होगा। साथ ही सिक्योरिटी के लिए 3 लाख रुपए के 2 जमानती वीवो पेश करेगा। जमानत देने वाले के दिवालिया या उसकी डेथ होने पर हरियाणा सरकार कैदी को तुरंत नया मुचलका जमा करने का आदेश भी देगी। बॉन्ड की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करने पर राज्य सरकार को जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। राम रहीम को बागपत द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दी गई शर्तों के संबंध में पुलिस और लोकल प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग करना होगा। पैरोल के दौरान राम रहीम बागपत आश्रम से बाहर नहीं जा पाएंगे। जाने के लिए अगर उन्हें जरूरत होगी तो परमिशन की भी जरूरत पड़ेगी। पैरोल के दौरान राम रहीम को स्थान या कार्यक्रम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी भी बागपत को देनी होगी। जेल के बाहर डेरा मुखी को पूरी तरह से शांत रहना होगा। इसके साथ ही अन्य लोगों के साथ उन्हें अच्छा बर्ताव भी करना होगा। सीएम फ्लाइंग गुड़गांव व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिनौला औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात एक फर्जी पैथोलॉजी लैब का भांडा फोड़ दिया। सीएम फ्लाइंग की गुरुग्राम टीम के प्रभारी डीएसपी इंद्रजीत यादव को जब सूचना मिली कि बीएससी पास एक युवक बीडीएन पैथ लैब नाम से फर्जी लैब का संचालन कर रहा है, इसके बाद उन्होंने टीम गठित कर मौके के लिए वो रवाना हो गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर एक युवक ब्लड सैंपल की जांच करते मिला, जिसने बताया कि वह लैब संचालक है और लैब टेक्नीशियन का काम भी वही करता है। युवक से लैब के संचालन संबंधित कागजात मांगे गए तो वह मुहैया नहीं करवा पाया, जिसके बाद युवक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया जा चुका है। आरोपी राहुल राजस्थान के अलवर जिला का निवासी है, जो यहाँ रेवाड़ी जिले के गाँव बोड़िया कमालपुर में रहता है। आरोपी पिछले 1 साल से लैब चला रहा था। उसने इस दौरान 750 से अधिक लोगों के ब्लड की जांच की। उसके पास जांच करने के बारे में कोई भी डिग्री नहीं मिली। लैब संचालक आरोपी राहुल यादव अपनी डिग्री से संबंधित दस्तावेज तक पेश करने में विफल रहे। आरोपी ने लैब चलाने के लिए जगह प्रति माह 3500 रुपए में किराए पर ली हुई थी। एक रिपोर्ट पर कंचन जैन नामक डॉक्टर की डिजिटल इस पर साइन भी मौजूद है। टीम ने मौके पर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा तो आरोपी ने साफ साफ इनकार कर दिया, वह उसे जानता भी नहीं। यहां तक उसने कहा वह डॉक्टर कंचन जैन के नाम से रिपोर्ट पर फर्जी साइन कर देता था ताकि लोगों को उस पर शक न हो। कुछ और विशेष हरियाणा के समाचार लेकर एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।